हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम कैप्सूल। मैं विवेक। दोस्तों, जापान में एक गांव है ओकिनावा करके। वहां के लोगों की एवरेज 90-80 ईयर्स है। और बड़ी बात यह है कि वहां पे जो 100 साल के ऊपर के लोग हैं वो आज भी अपनी लाइफ में उतने ही खुश हैं और अपना काम कर रहे हैं। वहां के लोगों को रेस्ट करना नहीं पसंद है और बहुत लोग तो रिटायर होने के बाद भी अपना काम एज यूजुअल करते रहते हैं और बहुत लोग बिना रिटायर हुए मर जाते हैं। तो आखिर काफ़ी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर की वहाँ पे नज़र गई उस गांव पे कि आखिर उस गांव में ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग इतने अपनी लाइफ में खुश हैं और अपना काम कर रहे हैं, खास करके जो 100 साल के ऊपर के लोग हैं वो भी उसी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो काफ़ी साइंटिस्ट वहाँ पे गए कि एक सर्वे किया, वहाँ के लोगों से पूछा कि आपकी लाइफ का आखिर आपके इस ज़िंदगी का क्या सीक्रेट है कि आप अपनी लाइफ को इतने अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी सर्वे होने के बाद मेजोरिटी पीपल ने एक वर्ड का नाम बताया कि उनके लाइफ ये जो इतनी खुशहाल ज़िंदगी वो जी रहे हैं उसका एक राज है इकीगाई करके। अब ये इकीगाई क्या होता है, लाइक हम सबके लाइफ में अपना इकीगाई होना चाहिए, बट बात आती है इकीगाई है क्या। तो बताना चाहूँगा, इकीगाई चार एलिमेंट को मिला के बना हुआ है। पहला, व्हाट डू यू लव, आप क्या चीज़ आपको ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने में खुशी मिलती है। बहुत लोगों को डांस करने में बहुत खुशी मिलती है, गाने में खुशी मिलती है, खाने में भी खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ होने से इकीगाई नहीं बनता है। सेकेंड एलिमेंट आता है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो, लाइक आप गाने में बहुत अच्छे हो, आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो, आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो, आप लाइक आप अपने जो भी फील्ड है उसमें आप अच्छे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस फील्ड में खुशी मिल रही है। कि अगर आपसे मैं बोल दूँ आप टाइप करो और आपको टाइप 5 घंटे करना है, आप टाइपिंग में अच्छे तो हो लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही, आप 5 घंटे तक बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो एक तीसरा एलिमेंट आता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या आप वो जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं या बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते जा रहे हो। चौथा पॉइंट आता है व्हाट डज वर्ल्ड नीड, कि जो आप काम कर रहे हो क्या रियली में दुनिया को उस काम की ज़रूरत है या नहीं। बट अब हम आते हैं कि लाइक एक होता है आप जिस चीज़ में जिस काम में आपको खुशी मिल रही है और वो काम करने में आप बहुत सक्षम भी हो, बहुत अच्छे भी हो, तो अगर हम इन दो चीज़ को मिला दें तो ये कहलाता है पैशन, ये आपका पैशन कहलाता है। बट यार, लोग हमसे कहते हैं शुरू से कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो तब अपनी लाइफ में सक्सेस होगी, बट ऐसा नहीं है। इकीगाई सिर्फ पैशन से मिलके नहीं बनता है। इसके लिए सेकंड चीज़ आती है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो और आपको उस काम को करने का पैसा मिल रहा है वो होता है आपका प्रोफेशन, जॉब, जो ज़्यादातर लोग अपना जॉब करते हैं। लेकिन ये भी मिला के आपको इकीगाई आपका नहीं मिलेगा, एक पैशन हुआ, एक प्रोफेशन हुआ। एक थर्ड चीज़ आती है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो और दुनिया को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, ये एक वोकेशन कहलाता है, एक तरीके से ये भी आपका जॉब ही कहलाएगा। कि अगर दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप वो चीज़ दे रहे हो और आपको उसका पैसा भी मिल रहा है तो ये भी एक आपका प्रोफेशन ही कहलाएगा। और एक फोर्थ चीज़ आती है कि आप जिस चीज़ में खुशी मिल रही है और दुनिया को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, लाइक बहुत लोग आजकल NGO चलाते हैं, NGO में क्या होता है लोगों की हेल्प करते हैं, उनको उनकी खुशी मिलती है और आज के टाइम में लोगों को ज़रूरत भी है, दुनिया को NGOs की ज़रूरत भी है। तो ये हो गया आपका मिशन, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन, इन चार चीज़ों को मिला के बनता है इकीगाई। तो बात उठती है आप अपने लाइफ का इकीगाई कैसे फाइंड करेंगे। एक सिंपल तरीका है, आप एक कॉपी लो और पेन लो, आप उस चीज़ में नोट करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करने में आपको खुशी मिलती है, और फिर ये भी देखो क्या आप वो चीज़ करने में परफेक्ट हो, एंड फिर एक एलिमेंट ये भी आता है क्या आप वो चीज़ कर रहे हो उसका आपको पैसे मिल सकते हैं, एंड फोर्थ एंड लास्ट ये है कि क्या उस चीज़ को दुनिया उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। अगर ये चारों चीज़ फुलफिल हो रही है तो ये आपका इकीगाई होगा जो अपने लाइफ में आप यूज़ करके जापानीज़ लोगों की तरह एक हैप्पी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों, ये एक टफ काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आपको अपनी लाइफ का इकीगाई खोजना ही पड़ेगा एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए। सो इकीगाई एक अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप इस बुक को पढ़िएगा क्योंकि आपको इसमें और भी चीज़ें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेंगी, इस बुक से आपके और भी कन्फ्यूज़न जो है क्लियर होंगे। सो थैंक यू
for watching this video. And if you like this, so please share, subscribe and like. And don't forget to press bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में.